हेलो एंड वेलकम एक नए एपिसोड के साथ में, जिसमें हम बात कर रहे हैं वायरिंग्स के बारे में। आइए हम देखते हैं कि आगे अपने रूम्स में हम कैसे वायरिंग्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी ये जो रेड वायर है वो आ रही है, और हमारी एक ब्लैक वायर है जो आ रही है दीवारों से होती हुई। अब हमारे पास सपोज़ कर लें कि दो कनेक्शंस हैं जो हमें करने हैं, जहाँ पे एक सर्कुलर है जहाँ से हमें एक पॉइंट निकालनी है, बाद में एक और भी पॉइंट निकालनी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ से डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे, राइट। और फिर हम आगे बढ़ेंगे उसी वायर्स के साथ में। यहाँ पर थोड़ी सी कवरिंग हटा लेनी है आपको है, और एक वायर यहाँ से जोड़ देनी है। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से एक कवरिंग हटा लेनी है थोड़ी सी वायर के ऊपर से, और एक वायर आप जोड़ दें यहाँ पे। फिर ये वायर आप यहीं पे छोड़ दें फ़िलहाल। तो अब हम बनाते हैं अपना स्विच बोर्ड। तो ये हमारे पास स्विच बोर्ड हो गई, जिसके अंदर में दो स्विचेस हैं और एक सॉकेट है। उसके बाद आप चाहें तो मल्टीपल स्विचेस कर सकते हैं। एक बार आपको दो की बात समझ में आ गई तो आप जितनी सारी स्विचेस चाहें उतनी स्विचेस बना सकते हैं। तो हमारे पास ये स्विच है, हमारे पास ये एक और स्विच है, और एक तीसरी स्विच है जो सॉकेट के लिए है। और ये हमारे पास एक सॉकेट हो गई, जहाँ पर हमारे पास ये तीन होल्स हैं। अगर आपने स्विच खोला है तो स्विच के पीछे आपने देखा होगा स्विचेस के पीछे स्क्रूज होते हैं। तो आपको करना ये यहाँ पर है, ये जो रेड वायर है, ये रेड वायर आप डायरेक्टली उसे यहाँ पहुँचाएंगे, और ये पीछे में उसके निचले हिस्से में ये कनेक्ट हो गई। उसके बाद उसी का एक्सटेंशन वो यहाँ पर जाएगा। आप वायर्स की कवरिंग हटा लें और एक्सटेंशंस को एक में कर दें, और फाइनली ये तीसरे में। तो ये एक्चुअली में ये सारी की सारी वायर जो है ये लाइव वायर है, जो ये लाइव वायर या इन तीनों स्विचेस में कनेक्ट हो रही है। अब आपने यहाँ पे बल्ब जलाना है, तो हम बल्ब को बना लेते हैं। ये हमारे पास ये बल्ब बन गई जिसे हमें जलाना है। तो पहले तो हम इस बल्ब को इससे कनेक्ट कर देते हैं, इस पार्ट से। ये बल्ब हमारी कनेक्ट हो गई। अब ये जो लाइव वायर है, यहाँ पर से हम इसे इस पॉइंट से हम एक तार डालते हैं, जो वो तार यहाँ से होता हुआ वो ये वायर यहाँ पहुँचती है, और हमारी कनेक्शन जो है मुकम्मल हो गई यहाँ पे। उसी तरह से हमारे पास एक दूसरी पॉइंट है, जहाँ पे हम एक और आपने बल्ब जलानी है अगर, तो ये है। तो आप करेंगे ये कि आप एक और भी वायर लेंगे यहाँ पे, आप एक और वायर लेंगे यहाँ पे, और इसे आप सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो आपकी ये कनेक्शन मुकम्मल हो गई। अब हमारे पास जो है ये स्विच है यहाँ पे, हम इस स्विच को कैसे कनेक्ट करेंगे, आइए मैं दिखाऊँ आपको। तो हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम यहाँ कनेक्शन करेंगे। ये रेड वायर की कनेक्शन यहाँ पर हो गई है, और ये जो ब्लैक वायर है जो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, वो ब्लैक वायर को हम इस पार्ट में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी स्विच भी मुकम्मल हो गई, और ये सॉकेट भी। अब आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी जला सकते हैं। अब एक बार इन सारी बातों को समझ लें कि ये चलती कैसे है, तो हम एक सिंपल इसका एक स्कीमैटिक बनाते हैं। तो ये सिंपल स्कीमैटिक ये है
कि हमारे पास ये ब्लैक वायर है, राइट? तो हम ये ब्लैक वायर यहाँ से बनाते हैं, और एक रेड वायर हमारे पास है, उसे भी बनाते हैं हमें। ये रेड वायर आप देखें, ये रेड वायर है, ये रेड वायर डायरेक्टली जा रही है यहाँ पर स्विच तक। तो हम ये स्विच तक पहुँच गए, ये हमारी स्विच हो गई। स्विच के दो होल्स हैं, ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट हो गया, उसके ऊपर में ये पार्ट है। आप स्विच को सिर्फ एक वायर ही समझें, फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वायर के अंदर में, उस स्विच के अंदर में आप कनेक्टिविटी को ब्रेक कर सकते हैं, वरना यह सिर्फ और सिर्फ एक वायर है। इसका काम सिर्फ कनेक्टिविटी को ब्रेक करना है। तो ये कंप्लीट वायर की तरह आप इसे देखें, और ये वायर फिर यहाँ से बढ़ी, ये देखें, ये वायर यहाँ से बढ़ी, ये हम बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं हमें, ये हम बल्ब की तरफ गए, बल्ब के एक पॉइंट से हमने कनेक्ट किया है इसे। दूसरी तरफ आप देखें, ये ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर है जो यहाँ से कनेक्टेड है। अब हम पूरी चीज़ को एक बार देखते हैं। ये रेड वायर हमारी गई स्विच तक, स्विच के आगे हम यहाँ बढ़ते हैं, स्विच के आगे हम यहाँ बढ़ते हुए इस बल्ब तक पहुँचते हैं, बढ़ते हुए इस बल्ब तक पहुँचते हैं, और फिर ये बल्ब की ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, और ये देखें, ये ऐसे होती हुई इधर कनेक्ट हो गई, ये ऐसी होती हुई इधर चली गई। तो ये सिंपली ऐसे है। तो ये सर्किट पूरी तरह से मुकम्मल हो गई है। उसी तरह से दूसरे के लिए भी ये सेम चीज़ अप्लाई होता है। अब आप इस स्विच को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इस सॉकेट में डाल करके एक बल्ब जलानी है, तो आपने प्लग इन किया, तो वो प्लग के ये प्लग में जो दो वायर्स होंगे वो इस तरह के कुछ होंगे। आपने रेड निकाली उसके अंदर से, रेड गई यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक बल्ब जलाना है, तो ये आपने यहाँ से भी बल्ब जला दी, ये तैयार हो गई यहाँ से। अब यहाँ से आप बल्ब जला सकते हैं। गौर से इसको भी देखें तो ये एक रेड है, यहाँ से ये पूरी की पूरी एक वायर है जो यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, और फिर वो इस तरह से एक कनेक्शन इसने तैयार किया यहाँ पे। तो आपको हर बार यही देखना है कि क्या आपका ये कनेक्शन बोथ एंड से तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसी तरह से आप घर की सारी वायरिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुदा हाफिज़, आदाब।